हम अपने प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरा समुदाय अल्पसंख्यकों में भी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, दलितों में भी सबसे बड़ा दलित है और पिछड़ों में सबसे बड़ा पिछड़ा है। आम इंसान का पसंदीदा नेता है, आपने उसको जेल के अंदर रख दिया, इसका मतलब आपने दिल्ली शहर के बहुत सारे आम इंसान की आवाज़ को जेल के अंदर बंद कर दिया है। उन्होंने हमारे बहुत सारे काम को किया है और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है, अगर सर रिहा होते हैं तो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन सकता है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, ऐसे बिल्लियां लड़ती रहेंगी तो बंदर मजे ले जाएंगे। तो भाई ये ट्रांसजेंडर समुदाय है, ट्रांसजेंडर समुदाय के अंदर ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और किन्नर समुदाय भी आता है। हम लोग एक बहुत बड़े तबके को साथ में लेके आए हैं। हम अपने प्रिय नेता अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि बहुत सारे काम है जो कि पेंडिंग है। इस समय ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड अब तक नहीं बना है, ट्रांसजेंडर्स लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना तो आवाज़ दिए जा रहे हैं, ना शिक्षा दी जा रही है, ना चिकित्सा का हमारे लिए कोई ऐसी सुविधा हुई है अब तक। तो जो भी कार्य हम लोग पूरा ट्रांसजेंडर समुदाय दिल्ली प्रदेश का अरविंद केजरीवाल जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ में जो हमारी लंबे समय से बातचीत चल रही थी और बहुत सारे काम जो हम लोग को मिलकर करने थे, सारे के सारे पेंडिंग हो चुके हैं। मेरा समाज वैसे हाशिए पे है। ट्रांसजेंडर समुदाय अगर आप मान के चलिए एक आदिवासी पीड़ित है तो उसकी पीड़ा, या एक दलित पीड़ित है तो उसकी पीड़ा, ट्रांसजेंडर की पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है क्योंकि ट्रांसजेंडर भी आदिवासी होते हैं, दलित भी होते हैं, अल्पसंख्यक भी होते हैं। मेरा समुदाय अल्पसंख्यकों में भी सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है, दलितों में भी सबसे बड़ा दलित है और पिछड़ों में सबसे बड़ा पिछड़ा है। मेरा समुदाय ऐसा है जो कि इस समय सड़कों पर खड़ा हुआ है। तो बहुत सारा काम जो कि हम ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग चाहते थे और जिसकी फाइल्स आगे बढ़ चुकी हैं, वो सब कुछ रुकी हुई हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को रिहा किया जाए और चुनाव अपनी गरिमा में रहे, सत्ता वाले भी अपने चुनाव को कंपेन करें और जो कि विपक्ष में है वो भी अपने चुनाव को बहुत गरिमापूर्ण तरीके से करें। ये लोकतंत्र का एक पर्व है, इसकी गरिमा को आप बनाए रखिए। इस तरीके से आपने किसी एक बड़े नेता को जो कि आम इंसान का पसंदीदा नेता है, आपने उसको जेल के अंदर रख दिया, इसका मतलब आपने दिल्ली शहर के बहुत सारे आम इंसान की आवाज़ को जेल के अंदर बंद कर दिया है। वो हमारी आवाज़ है, उन्होंने हमारे बहुत सारे काम को किया है और बहुत सारे काम जो पेंडिंग है, अगर सर रिहा होते हैं तो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बन सकता है, हमारे समुदाय के बहुत सारे हित के काम हो सकते हैं। अभी राशन कार्ड में नाम नहीं है, हमारी शिनाख्त नहीं हो पा रही है, हम लोग वोटर आईडी कार्ड के लिए भी जाते हैं वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री जी के साथ में लंबित पड़े हुए हैं और वो चाहते थे ये सारे काम हो। इसीलिए पूरा ट्रांसजेंडर समुदाय, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम किसी बड़े नेता के खिलाफ नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं। जो केंद्र में आ रहे हैं वो भी जनता की पसंद है, जो दिल्ली में आ रहे हैं वो भी जनता की पसंद है। तो हम चाहते हैं गरिमापूर्ण तरीके से काम कीजिए, आप भी अपना कंपेन करिए, अरविंद केजरीवाल जी को भी करने दीजिए और सब लोग मिलकर एक साथ काम करें। हमें भारत को मजबूत करना है, हमें भारत को विश्व में सबसे अग्रणी देशों में शामिल करना है। हमें आपस में लड़ना नहीं है, ऐसे बिल्लियां लड़ती रहेंगी तो बंदर मजे ले जाएंगे। आपस में ना लड़िए, आप अपना काम कीजिए, दिल्ली की सरकार को अपना काम दीजिए और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये ट्रांसजेंडर समुदाय है, ट्रांसजेंडर समुदाय के अंदर ट्रांसमैन, ट्रांस वुमेन और किन्नर समुदाय भी आता है। हम लोग एक बहुत बड़े तबके को साथ में लेके आए हैं। ये सिर्फ चंद लोगों की आवाज़ नहीं है बल्कि लाखों लोगों की आवाज़ है। कम से कम 2.5 लाख लोग पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली के अंदर इस समय रह रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं अपनी, और वो सब के सब अरविंद केजरीवाल की तरह बहुत आशा भरी निगाहों से देखते हैं क्योंकि हमने उनको चुना है, वो हमारे नेता है, पसंदीदा नेता है। इसलिए मैं केंद्र में बैठे सारे शासकों से अपील करना चाहती हूँ कि सर आपको भी जनता ने चुना है, आप भी अपना काम कीजिए और दिल्ली के काम को भी आगे सुचारू रूप से होने दीजिए।